डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता क्या? प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऐसा नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऑपरेटर तो है जो कुछ प्रोजेक्ट करेगा। अब वो क्या प्रोजेक्ट करेगा वही हम देखेंगे। इसमें लिखा है द एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी टू सिंप्लीफाई मॉलिकुलर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिकुलर वेव फंक्शंस व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ IRs, यानी irreducible representations of symmetry group of the molecule। देखिए, हम जब किसी मॉलिक्यूल के किसी ग्रुप में जा रहे हैं, पर्टिकुलर किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें देखना है, मान लीजिए हम कोई मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन किसी मॉलिक्यूल के सिमेट्री पॉइंट ग्रुप के बेस, किसी पर्टिकुलर IR के बेसिस को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब बेसिस की तरह हम उसे यूज कर ले रहे हैं, ठीक। अब वो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बस ये ग्रुप थ्योरी वहां पर हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब ये मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन हम फॉर्म कैसे करते हैं? ये हम फॉर्म करते हैं जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक वेव फंक्शन ले लेते हैं और एटॉमिक वेव फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन देता है। तो यहाँ लिखा हुआ अभी है, सच अ फंक्शन इज बिल्ट बाय द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक वेव फंक्शंस। तो हमने एटॉमिक वेव फंक्शंस लिए और उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपली हमने सम अप कर दिया सारे एटॉमिक वेव फंक्शंस को, तो फिर वो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस कंस्ट्रक्ट होके आएंगे। अब वो कौन से एटॉमिक वेव फंक्शंस हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करने में? तो बस उन्हीं वेव फंक्शंस को प्रोजेक्ट करना, उन्हीं वेव फंक्शंस को निकाल के लाना, ये काम होता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर का। तो आगे लिखा हुआ है, एंड इज नोन एज सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। और ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब वो पर्टिकुलर सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन को हम शॉर्ट में बोल देते हैं SALCs, ठीक है। ये SALCs अभी रिसेंटली आपके गेट के एग्जाम में इंक्लूड हुआ है, सिलेबस में मतलब इंक्लूड हुआ है, तो एक नया टॉपिक है ये, तो ये आपको गेट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक। तो ये जो SALCs हैं ये हम कैसे फॉर्म करेंगे? ये हम फॉर्म करते हैं, द SALCs ऑफ अ मॉलिक्यूल इज बिल्ट बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से हम वो सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन वेव फंक्शंस जो हैं मतलब ले लेते हैं, ठीक है, और उनकी हेल्प से हम ये वो मॉलिकुलर वेव फंक्शन फॉर्म कर लेते हैं जो किसी IR यानी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक। तो क्या काम हुआ प्रोजेक्शन ऑपरेटर का? द प्रोजेक्शन ऑपरेटर प्रोजेक्ट्स आउट अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन दैट बिलोंग टू अ सर्टेन सिमेट्री स्पीशीज एंड देयर बाय वी कैन जनरेट SALCs। यानी अगर हम किसी प्रोजेक्शन ऑपरेटर को किसी पर्टिकुलर फंक्शन पर अप्लाई करें तो उस फंक्शन में से वो कुछ, मतलब उस फंक्शन के कुछ पार्ट को प्रोजेक्ट कर देगा, मतलब हमें उस पर्टिकुलर वेव फंक्शन जिस पर कि हमने उसे अप्लाई किया है उसमें से हमें कुछ पार्ट हमें निकाल के दे देगा जो कि किसी पर्टिकुलर सिमेट्री स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, और उसकी हेल्प से हम वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो या SALCs जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। मतलब अभी हो सकता है आपको ये थ्योरी में कुछ समझ में ना आए और आएगा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब आप इसको समझिएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अभी हो सकता है थ्योरी में आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, हम किसी फंक्शन पर इसको अप्लाई कर रहे हैं, उस फंक्शन में से हमें ये कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल के दे देगा, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम यहां देखेंगे। और ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर और दूसरा होता है इनकंप्लीट। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ कंप्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसको डिराइव कैसे करेंगे? सपोज वी हैव अ सेट ऑफ फंक्शंस Ψ1 Ψ2 Ψ3, इस तरह से है हमारे पास काफी सारे फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, और व्हिच फॉर्म अ बेसिस फॉर द ith इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। IR जहां भी मैंने लिखा हुआ है इट मींस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशंस I ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एच। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ग्रुप है जिसका ऑर्डर है एच, उसकी डायमेंशन है I, और उसमें हमने कुछ ये वो मतलब ये जो सेट ऑफ फंक्शंस लिए हुए हैं ये उस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने इनको Ψ1 Ψ2 Ψ3 Ψ4 ऐसे ही Ψt ले लिया, Ψ मतलब कहाँ तक लिया, जहाँ तक उसकी डायमेंशन है, और ऊपर हमने I सुपर स्क्रिप्ट जो लगाई वो I, इसका मतलब वो पर्टिकुलर एक ith irreducible representation के लिए सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो उसके लिए बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। अब क्या है, बाय डेफिनेशन वी राइट, मतलब अब क्या करेंगे हम,
किसी ऑपरेटर को, हमने एक ऑपरेटर ले लिया, मतलब कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन ले लिया सपोज, और हमने उसे किसी एक फंक्शन पर अप्लाई कर दिया। सपोज हमने फाइ टी आई ले लिया, वो फंक्शन जिस पर हमने एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, तो जो ये सिमेट्री ऑपरेशन का रिजल्ट है वो हमारे पास ये निकल के आता है। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम कैसे, ये तो मैथमेटिकली हमने समझा दिया, इसको हम अपने पॉइंट ग्रुप में कैसे समझा सकते हैं। देखिए सपोज हमारे पास क्या है कि सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप में सी थ्री तो प्रेजेंट है। अब अगर हम इस सी थ्री को अप्लाई करें, यहाँ पर सी थ्री हमारा ऑपरेटर हो गया, ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, और हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, जैसे सपोज हमने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ले लिया, एक्स वाई जेड पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम पहले सी थ्री की मैट्रिक्स लिखेंगे और ये एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स लिखेंगे और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं कैसे, जैसे सी थ्री की मैट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई भी है, कैसे हम लिख सकते हैं, ये होगी कॉस थीटा, अगर हम इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो हमारा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, ये जीरो, यहाँ माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये जीरो, ये जीरो जीरो वन, ठीक है, और कॉस थीटा क्योंकि हम सी थ्री अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस 120, साइन 120, तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास आएगा माइनस वन अपॉन टू, यहाँ आएगा अंडर रूट थ्री बाई टू जीरो, फिर आ जाएगा माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू, माइनस वन बाई टू, जीरो 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 वन, ठीक है, ये हमारी सी थ्री मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, सी थ्री मैट्रिक्स को हम एक्स वाई जेड पर अप्लाई करें, यहीं पर, मतलब मैं इसको, यहाँ पर x है, ये y है और ये z है, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी 3x3 मैट्रिक्स हो गई और ये हमारी 3x1 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। जब हम इसको इस पर अप्लाई करेंगे तो सपोज हम x कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी एक रो के, पर्टिकुलर रो के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट रो ले ली हमने, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये सब तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर हम मैट्रिक्स एलिमेंट की बात करें तो ये हमारा 1 1 एलिमेंट है, ये हमारा 1 2 एलिमेंट है, ये हमारा 1 3 एलिमेंट है, ऐसे ये हमारा 2 1 एलिमेंट है। इसका क्या मतलब हो गया, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट, पहला नंबर रो को और दूसरा नंबर जो है वो ग्रुप को, सॉरी कॉलम को डिस्क्राइब करता है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि सी थ्री एक्स पर क्या इफेक्ट हुआ है, तो सी थ्री एक्स कैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम सिर्फ इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, सिर्फ हम एक, क्योंकि हम सिर्फ एक्स पर ही अप्लाई कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये एक्स वाला, ये पूरा पोर्शन एक्स का होता है, ये वाई का, ये जेड का, और ऐसे ही ऊपर भी एक्स, यहाँ वाई और ये जेड, तो ये एक्स जो है इस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आता है, तो x क्या बन जाएगा, माइनस वन अपॉन टू, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आया, ठीक है। फिर हम सेकेंड फर्स्ट रो का, यानी जो सेकेंड एलिमेंट लेंगे और यहाँ पर इस जो हमारा ये है, ये वाली मैट्रिक्स है, इसका भी हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू वाई, और फिर ये प्लस जीरो जेड, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये मैंने आपको पहले भी कई बार समझाई हुई है, थ्री इंटू थ्री को हम थ्री इंटू वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ये जो है हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आया, ठीक। और यही जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, माने ये जो चीज है ये इसको डिस्क्राइब कर रही है। अब कैसे, देखिए इसका क्या मतलब निकल के आया, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है विच इम्प्लाइज, विच इम्प्लाइज मतलब इसी के बारे में लिखा है, विच इम्प्लाइज दैट द रिजल्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन आर ऑन वन ऑफ द फंक्शन साई टी आई, ठीक है, सिमेट्री ये हमने ऑपरेशन ले लिया और इसे साई टी आई पर अप्लाई किया और उसका जो रिजल्ट था वो ये है, और रिजल्ट क्या रहा, इज ऑप्टेन्ड बाय कैरिंग आउट द समेशन ऑफ द, समेशन किया, समेशन कैसे किया, समेशन तो हमने कर ही रखा है, ये सारे के सारे जो है हमने प्लस कर रखे हैं, ठीक है, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एसेथ रो, हमने एक पर्टिकुलर रो लिया, सिर्फ एक रो की बात की है, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एसेथ रो ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ द ऑपरेशन आर, हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, एसेथ रो का, और कौन सी मैट्रिक्स लिया है जो हमारी ऑपरेशन आर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ऑपरेशन आर हमारा यहाँ पर क्या था, सी थ्री, और सी थ्री की मैट्रिक्स ये थी और हमने ये पर्टिकुलर रो ले लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इन द आयथ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस फंक्शन, तो हमने प्रोडक्ट किसका लिया है, एलिमेंट ऑफ एसेथ रो विद द कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस फंक्शन, तो एलिमेंट ऑफ एसेथ रो ये हो गए और इनके ये बेसिस फंक्शन हो गए, तो यहाँ पर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट
इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट और इन सब का समेशन, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक। और यहां पर जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिग्मा एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो ये है, ये फंक्शन है हमारा, जो यहां पर ये एक्स को या यहां पर वाई को या यहां पर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो ये पूरा है, ये हमारा वो मैट्रिक्स एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट है जो हमने यहां पर लिया। जैसे एस और टी से क्या मतलब है, एस जो है रो हो गई और टी हमारा कॉलम हो गया। तो हमने यहां पर क्या ले लिया है, ये हमारा 1 1 एलिमेंट हो गया, ये 1 2 एलिमेंट हो गया और ये 1 3 एलिमेंट हो गया। तो ये पोर्शन हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोर्शन हमारा उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, पहले हमने मैट्रिक्स एलिमेंट लिखा है फिर फंक्शन लिखा है, और यहाँ पर पहले फंक्शन लिख दिया और फिर मैट्रिक्स एलिमेंट लिखा है, ठीक है। तो बस इतना सा चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो सिर्फ इसका मीनिंग हो गया, ठीक। और इसी को फिर एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर हमारी इक्वेशन बनी, इसको हम मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय ये, इस वाले फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, एंड समिंग ओवर ऑल ऑपरेशंस इन द ग्रुप, तो वी गेट, फिर हम समेशन कर देंगे ओवर ऑल ऑपरेशन। तो हमने क्या करा, ये आर ऑपरेटर था साई आई टी, ये तो हमारा था ही, हमने क्या करा इसको भी इस वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई, मतलब ये जो पूरा था हमारा पोर्शन इससे मल्टीप्लाई किया, फिर समेशन ओवर ऑल ऑपरेशन कर दिया, ठीक। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड पर हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और फिर हमने इसको इसी इससे मल्टीप्लाई किया और समेशन ओवर आर कर दिया, ठीक। तो हमारी ये नेक्स्ट इक्वेशन जो है बन के आई। अब सिंस द फंक्शंस साई एस आईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेशन, वी कैन री राइट द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कोई भी आर वाली चीज तो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस समेशन को इस आर से, इस वाले समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस समेशन को पूरे को बाहर निकाला और बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, जो ये इतना पोर्शन अगर आप देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसमें, ये हमारा जीओटी से आया, ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, आप जाके चेक कीजिएगा। ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम की जो मेन इक्वेशन है वो हमारी क्या होती है, इसके इक्वल ये होता है। आप एक बार, मैंने मतलब करा चुकी हूं, मैं वहां पर जाकर चेक कीजिएगा, बस इतना चेंज है, वहां पर मैट्रिक्स एलिमेंट मैंने एम एन लिखे हैं, यहां पर मैट्रिक्स एलिमेंट एस टी हो गए हैं, बस और कोई चेंज नहीं है। तो ये पूरा इक्वल होता है इस पूरे के, ठीक। तो हमने इसको क्या करा, विच ऑन यूजिंग जीओटी, यानी जीओटी ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम बिकम्स, तो हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया फ्रॉम जीओटी, ठीक है। तो हमने ये यहां से उठा के लिख दिया। अब क्या है, ऑन कैरिंग आउट द समेशन ओवर एस ओनली द टर्म फॉर विच एस इज इक्वल टू एस डैश सर्वाइव्स। देखिए यहां पर ये सब क्या चीजें हैं, क्रॉनेकर डेल्टा है, ये सब मैंने आपको तब भी समझाया था जब मैंने जीओटी समझाई थी। तो अगर एस इज इक्वल टू एस डैश होगा तभी डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो 1 आएगी, ठीक है। और अदरवाइज अगर एस नॉट इक्वल टू एस डैश होगा तो ये सारी जो टर्म होंगी वो सब 0 हो जाएंगी, ठीक। तो हमारे पास ये जो समेशन है हमारा, ये सिर्फ उन्हीं टर्म्स के लिए सर्वाइव करेगा जब जिनके लिए एस इज इक्वल टू एस डैश है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एस की जगह एस डैश, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म तो एज इट इज ही रहेगी, यहाँ पर तो कुछ भी एस नहीं था क्योंकि, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली टर्म में हमने एस की जगह एस डैश कर दिया क्योंकि अब हम ले रहे हैं एस इज इक्वल टू एस डैश, सिर्फ वही टर्म्स जो है हमारी सर्वाइव करेंगी जहां पर एस इज इक्वल टू एस डैश होगा, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां पर हमने ये एज इट इज लिखी, अब क्योंकि एस इज इक्वल टू एस डैश है तो क्रॉनिकल डेल्टा तो 1 हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा यहां पर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये। तो अब इसको आप यहां पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से सिमिलरली व्हेन आई इज इक्वल टू जे, जब हम आई इज इक्वल टू जे कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर जहां पर भी आई है वहां उसकी जगह हम जे, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी यहां पर भी कि सिर्फ वही टर्म सर्वाइव करेंगी व्हेन आई इज इक्वल टू जे होगा, ठीक है। आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो वो सब कुछ जो है वो 0 हो जाने वाला है। तो यहां पर आई आई और आई जे है, तो हम आई आई की जगह आई जे अगर कर देंगे तो अंडर रूट ले लेंगे आई जे स्क्वायर का, तो अंडर रूट आई जे स्क्वायर क्या निकलेगा, खाली आई जे निकलेगा, ठीक है। और यहां पर साई आई की जगह जे लिख सकते हैं और यहां पर भी साई आई की जगह जे लिख सकते हैं, और ये आई जे आई इज इक्वल टू जे होगा तो क्रॉनिकल डेल्टा इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाने वाली है। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ इतना पोर्शन बच जाएगा और बाकी हमने जहां पर भी आई था उसकी जगह हमने जे कर दिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को अगर हम इधर की साइड ले जाए,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच अपॉन आई जे, आई यहाँ पर क्या है, डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच जो है वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आई जे अपॉन एच हो जाएगा, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, और हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। अब अगर हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर को डिराइव करें, तो जो ये पूरी टर्म निकल के आई है यहां से यहां तक, ये वाली टर्म जो है, ये होती है हमारी प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर यहां पर लिखा इसके लिए, और ये पूरा इक्वल्स टू करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब इस पूरी टर्म के लिए हम ये लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर jth रिप्रेजेंटेशन, और जिसके एलिमेंट्स हैं एस डैश और टी डैश। ठीक, तो ये वाला पोर्शन तो हमने लिखा, ये लिख दिया, और ये जो फाइव जे टी बचा था, ये फाइव जे टी हमने यहाँ लिख दिया, और हमारे पास अब यहाँ पर जो बचा था वो हमने यहाँ लिख दिया। और फिर से हम डेल्टा, ये क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू टी डैश के लिए क्या होगा, ये फिर से वन हो जाएगा। ठीक है, जब ये वन हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी। तो यही हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। तो इक्वेशन सिक्स इंप्लाइज दैट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑपरेटर पी जे ओवर द फंक्शन साई टी आई प्रोजेक्ट्स आउट द फंक्शन साई एस डैश जी। मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, तो ये हमें जो दूसरा फंक्शन देगा उसकी भी रिप्रेजेंटेशन वही होगी जो ये jth रिप्रेजेंटेशन पर हमने अप्लाई किया था, और ये भी हमें jth रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब ये फंक्शन जो है इसमें से ही निकल के आया है, और ये है उस पर्टिकुलर IR के लिए बेसिस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मतलब अभी आप ये बहुत इसके शायद डिटेल में नहीं समझ पाएंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो अभी तो आपको डेरिवेशन समझना था। तो अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, बस इतने से पोर्शन में आपको सिर्फ डेरिवेशन समझना था, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा कि ये क्या फंक्शन है, और इसमें से ये क्या निकल के आया, और क्या हम बेसिस यूज करने जा रहे हैं। तो आई होप कि प्रोजेक्शन कम से कम आपको डेरिवेशन वाला पार्ट तो समझ में आया होगा। तो ये इसका डेरिवेशन था। अब नेक्स्ट में हम इसको करेंगे कि इसका एग्जाम्पल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो टू इलस्ट्रेट हाउ इक्वेशन सिक्स वर्क्स, ये वाली इक्वेशन कैसे काम करती है, लेट अस कंसीडर द जनरल फंक्शन। हमने एक जनरल फंक्शन कंसीडर कर लिया, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब हम इस पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है अप्लाई करेंगे, और कौन से पॉइंट ग्रुप ले कर रहे हैं, इन द ग्रुप सी थ्री वी। तो वी शैल यूज द प्रोजेक्शन ऑपरेटर टू ऑप्टेन फ्रॉम दिस आर्बिट्रेरी फंक्शन विच फॉर्म अ बेसिस फॉर द ई रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने अपने मन से कोई एक फंक्शन ले लिया है, इसमें से हम वो फंक्शन निकालेंगे जो सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप की जो ई रिप्रेजेंटेशन थी उसके लिए बेसिस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर पर हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, और इसमें से हम वो फंक्शन निकालेंगे, या वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सिंगल फंक्शन भी निकल के आ सकता है, वो तो अभी हम देखेंगे जब प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे कि भाई ई रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिस फॉर्म करने वाला कौन सा फंक्शन है इसमें से। ठीक, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप की, देखिए ये हमारे पास सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप की जो है कैरेक्टर टेबल है। तो अगर हम ई रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पर ई रिप्रेजेंटेशन ये है ई रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ई रिप्रेजेंटेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स जेड और वाई जेड है वो इसके लिए बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो वो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन देगा एक्स जेड प्लस वाई जेड का, और जेड स्क्वायर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। बस यही हमें देखना था कि हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन पर अप्लाई किया और हमें ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है वो पर्टिकुलर लीनियर कॉम्बिनेशन देगा जो किसी रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिस फॉर्म कर रहा है, और ये सिमेट्री अडेप्टेड है, क्योंकि इसकी ये पर्टिकुलर सिमेट्री को, ये ई सिमेट्री को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम ये सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब वो कैसे निकल के आएगा एक्स जेड वाई जेड वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सी थ्री वी पर अप्लाई करना है, तो सी थ्री वी के जो भी हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर उनकी मेट्रिक्स लिख देंगे। सिमेट्री ऑपरेशन कौन से, ई है, टू सी थ्री है यानी सी थ्री वन है, सी थ्री टू है, थ्री सिग्मा वी है जिनको हम सिग्मा वी डैश सिग्मा वी डबल डैश से शो करेंगे, और यहां पर हम हरेक के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि हरेक की मैट्रिक्स जो है वो अलग अलग आएगी। ठीक है, तो हमने ई की मैट्रिक्स लिखी, ये मैट्रिक्स तो मैंने आपको बताई दी है कैसे लिखनी होती है। ठीक है, सिग्मा वी के लिए निकल के आएगी सिग्मा वी एक्स जेड की, और सी थ्री वन और सी थ्री टू के लिए, ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ जब मैंने ये समझाया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कैसे बेसिस सेट मान लेते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो
एटॉमिक वेव फंक्शंस, सॉरी, जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि वेव फंक्शंस को हम कैसे बेसिस सेट मान के एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो उसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, सिग्मा वी डैश और सिग्मा वी डबल डैश के लिए भी नहीं समझाया है, तो कभी सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप की जो कंप्लीट करेक्टर टेबल है वो मैं जब हमारी ग्रुप थ्योरी खत्म हो जाएगी तो सबसे लास्ट में मैं समझाऊंगी कि ये वाली मैट्रिक्स हमारी कैसे आती है। तो फिलहाल तो आप इसको याद कर लीजिएगा, तो ये सारी मैट्रिक्स हैं हमारे पास होनी चाहिए, तो इसका आप स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक कंप्लीट कंप्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर में हमें पूरी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, जितने भी हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उन सबके मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन ऑन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पर क्या इनका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ई क्या करेगा, वो x को y को z को कुछ भी नहीं करता है, वो तो सब कुछ सेम रहेगा, तो x x ही रहेगा, y y रहेगा, z z रहेगा। अब C31, जब हम C31 अप्लाई करेंगे, देखिए ये वाली जो चीज़ है ये x को रिप्रेजेंट करती है और ये y को रिप्रेजेंट करती है, तो C3 को जब हम x पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी ये x होता है और ये y होता है, तो C3 को जब हम x पे अप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया भी था वो किस में चेंज होगा, माइनस वन अपॉन टू एक्स में और अंडर रूट थ्री बाई टू वाई में, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है माइनस वन अपॉन टू एक्स और ये सॉरी प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू वाई, ठीक है। ये वाली पोजीशन हो गई एक्स की, और जब वाई पर अप्लाई करेंगे तो वाई पर अप्लाई करने पर हमारा ये आंसर आएगा माइनस अंडर रूट थ्री बाय टू एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई, तो वही हमने यहां पर लिखा हुआ है माइनस थ्री बाय टू एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई। और जेड को तो कभी चेंज नहीं, क्योंकि सी थ्री जेड, जब हम C3 अप्लाई कर रहे हैं तो Z एक्सिस पर कोई इफेक्ट ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जितने भी सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे Z एक्सिस जो है वो हमारी हमेशा Z ही रहेगी। यहाँ पर भी आपको Z लिखना है, ये मैं भूल गई लिखना, तो Z एक्सिस तो हर ऑपरेशन के लिए Z ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। फिर हम C32 अप्लाई करेंगे, तो C32 जब हम X एक्सिस पर अप्लाई करेंगे यानी X कोऑर्डिनेट पर अप्लाई करेंगे, तो X के लिए क्या, माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू वाई, और जब y पर अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई, ठीक है। ये पूरा x के लिए, ये पूरी y के लिए, तो बस ये इसी तरह से यहाँ पर लिखी हुई है। फिर सिग्मा v को हम xz, जब सिग्मा v हम xz पर अप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, x और z जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है वो तो सेम रहेगा, और जो नहीं लिखा हुआ है वो माइनस में हो जाएगा, तो x और z तो x और z ही रहेंगे, y नहीं लिखा है इसलिए वो माइनस y हो जाएगा, और ये मैंने समझा भी चुकी हूँ कैसे वो माइनस y में हो जाता है। सिग्मा v डैश, सिग्मा v डैश क्या कर रहा है, माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू वाई, तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, और ये y के लिए क्या कर रहा है, अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस वन अपॉन टू वाई, वो हमने यहां लिख दिया। सिग्मा वी डबल डैश क्या कर रहा है, माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री बाय टू वाई और माइनस थ्री अपॉन टू एक्स और वन अपॉन टू वाई, ये वाई के लिए और ये एक्स के लिए। तो यहां से हमने ये इसको देख लिया कि इसने एक्स को कैसे चेंज किया, वाई को कैसे, मतलब वाई एक्स और जेड पर क्या इफेक्ट रहा इनका। अब फिर हम क्या करेंगे, ये हमें मालूम पड़ गया एक्स वाई जेड पर, अब हम इन्हीं सारे ऑपरेशंस को इस फंक्शन पर अप्लाई करके देखेंगे। तो इस फंक्शन पर हमें सिंपली अप्लाई कैसे करना है, भाई ई जब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो एक्स एक्स ही रहेगा, जेड जेड रहेगा, वाई वाई रहेगा, तो जो ये फंक्शन था वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक। फिर जब हम सी थ्री ऑपरेशन इसी फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो एक्स हमारा किस में चेंज हुआ, एक्स के नीचे हमने लिखा हुआ है ये, तो हम ये सॉरी सी थ्री वन की बात करें, माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू वाई, तो हमने इसको लिख दिया माइनस, ये x के लिए लिखा हुआ है और x के आगे क्योंकि z है तो हमने फिर z से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर y क्या चेंज हुआ, C3 ने y को कैसे चेंज किया, ये ऐसे चेंज किया, तो माइनस थ्री बाई टू एक्स और माइनस वन अपॉन टू वाई और फिर z से मल्टीप्लाई कर रखा है तो z और प्लस z स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, खोल के लिख लिया माइनस वन अपॉन टू एक्स जेड, इसको मल्टीप्लाई कर, जेड को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐसे ही जेड को हमने इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, ये पूरा हमने खोल के ब्रैकेट को खोल दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स जेड वाली टर्म को एक साथ लिख रहे हैं और वाई जेड वाली टर्म को एक साथ, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही रहेगा। देखिए एक्स जेड में क्या है, माइनस वन अपॉन टू एक्स जेड है और माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स जेड है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने इसमें इन दोनों में से क्या करा, माइनस वन अपॉन टू कॉमन ले लिया, जब हम माइनस वन अपॉन टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा वन बचेगा, ठीक है, प्लस और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर अंडर रूट थ्री। देखिए अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस वन अपॉन टू एक्स जेड, तो ये हमारा लिखा ही है माइनस वन अपॉन टू एक्स जेड, और इसका आंसर क्या होगा, माइनस
अंडर रूट 3/2 एक्स जेड, और ये भी माइनस अंडर रूट 3/2 एक्स जेड है। फिर ऐसे ही हमने वाई जेड वाली टर्म को एक साथ ले लिया, इसमें हमने 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर बचाइए। अब इसको भी आप पूरा लिख लेंगे अंडर रूट 3/2 वाई जेड, तो ये प्लस में अंडर रूट 3/2 वाई जेड है, और माइनस 1/2 वाई जेड है तो माइनस 1/2 वाई जेड है। तो बस ये लिखने का तरीका है, ये तो आप मतलब बहुत जनरल सी बात है, तो ये तो आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। ऐसे ही जब हम C32 अप्लाई करेंगे तो C32 एक्स के साथ क्या कर रहा है वो हम यहाँ से लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका z लिख देंगे क्योंकि x z है, ठीक है। फिर y के साथ क्या कर रहा है, हमने ये पूरे y वाली टर्म लिख दी और फिर z लिख दिया प्लस जेड स्क्वायर, फिर हमने इसको वही खोल के पूरा लिखा, और हम मैंने ये बीच वाली लाइन इसमें नहीं बनाई क्योंकि आप ये अब मैं सिर्फ इसमें समझा दिया, बाकी तो आप समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर सिग्मा वी एक्स जेड जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो सिग्मा वी एक्स जेड क्या कर रहा है, एक्स को तो एज इट इज रख रहा है, जेड को भी एज इट इज रख रहा है, बस वाई को माइनस वाई में चेंज कर रहा है। तो यहां पर एक्स जेड तो एक्स जेड ही रहेगा। अब क्योंकि वाई को माइनस वाई में चेंज कर रहा है तो यहां माइनस वाई हो जाएगा, जेड एज इट इज रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा। फिर सिग्मा वी डैश हम अप्लाई करेंगे तो सिग्मा वी डैश ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बिल्कुल, एक्स जेड आपने क्या करना है, बस एक्स की वैल्यू यहां से लिखी, उसके साथ जेड को मल्टीप्लाई किया, वाई की वैल्यू यहां से लिखी, जेड को मल्टीप्लाई किया, फिर वही हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, और सिग्मा वी डबल डैश के लिए ये आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए और फिर खुद से आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, मतलब खुद से आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हो सकता है अभी ना भी समझ में आ रहा हो, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सिंपल सी मैथ्स है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम अपना प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए हम क्या कर रहे थे, हम क्या यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर को हम jth इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर हम e रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे C3V पॉइंट ग्रुप की जो e रिप्रेजेंटेशन थी, जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन थी e रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ई रिप्रेजेंटेशन हमने लिख दी, और ये 1-1 क्या लिखा है, यहां पर ये है एस डैश टी डैश, यानी ये रो है और ये हमारा कॉलम है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम हर मैट्रिक्स एलिमेंट को यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम 1-1 एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो 1-1 एलिमेंट हमने यूज किया, और मैट्रिक्स का 1-1 एलिमेंट हमारा कैसे आएगा, जैसे ई का अगर हम 1-1 एलिमेंट निकालेंगे तो ये है, ये 1-1 एलिमेंट है, ये 1-2 एलिमेंट है, ठीक है। फिर ये 2-1 एलिमेंट है, ये 2-2 एलिमेंट है, तो हर किसी के साथ यही, ये 1-1 है, ये 1-2 है, ये 2-1 है, ये 2-2 है, तो हर किसी के साथ ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है। और हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो डेफिनेशन से हमारा क्या निकल, जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था, वो हमारा क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था कि ij अपॉन एच, यानी कि उसकी रिप्रेजेंटेशन की जो डायमेंशन थी और उसका जो ग्रुप का ऑर्डर था i अपॉन एच, फिर हमने ये सिग्मा आर लिखा, तो सिग्मा आर जितने भी सिमेट्री ऑपरेशन हैं हम अप्लाई करेंगे और उन सबका प्लस करेंगे, और ये आर 1-1 का क्या मतलब है, हम जिस भी सिमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं उसके मैट्रिक्स का 1-1 एलिमेंट लिखेंगे, और फिर उस सिमेट्री ऑपरेशन को हम इस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। ये एक्सजेड वाईजेड ये हमारा ऐसा रहा, बस पी की जगह हमने इसको खोल के लिख दिया है। अब हम इसको और ज़्यादा खोल के कैसे लिख सकते हैं कि आई आई अपॉन एच, तो हम जो ये सिग्मा दिखा रहे हैं, सिग्मा का मतलब हुआ कि हम हर सिमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, हर सिमेट्री ऑपरेशन का 1-1 एलिमेंट लिख रहे हैं और हर सिमेट्री ऑपरेशन को इस फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ई एलिमेंट लिख लिया 1-1 एलिमेंट, और फिर हमने ई ऑपरेशन अप्लाई किया इस पर, फिर हम C3 का 1-1 एलिमेंट लिखेंगे, फिर C3 को इस पर अप्लाई करेंगे, फिर C32 का 1-1 एलिमेंट लिखेंगे, फिर C32 को इस पर अप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ही सबके लिए ये सिग्मा वी को 1-1 एलिमेंट लिख के सिग्मा वी को सब पे अप्लाई करेंगे, तो बस वही हमने यहाँ पर करना है, ठीक। तो II अब हमारा ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट इरिड्यूसिबल जो हमारी IR थी वो ई रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और अगर वो ई रिप्रेजेंटेशन है तो उसकी डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन हो गई 2। मैंने आपको बताया था जो भी हम ई के अंडर लिखते हैं वो सारी डायमेंशन होती हैं, A1 हमारी 1 डायमेंशन है, A2 हमारी 1 डायमेंशन है, लेकिन ई हमारी 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिया अपॉन C3V का पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, वो 6 होता है, तो 2/6 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम ई रिप्रेजेंटेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पर, ये आइडेंटिटी है हमारा ऑपरेशन, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेशन का 1-1 एलिमेंट लिखेंगे, तो ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेशन की मैट्रिक्स है और 1-1 एलिमेंट क्या है इसका, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। और फिर हमने ई ऑपरेशन को एक्सजेड वाईजेड
और जेड स्क्वायर पर जब अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर ये आया था, तो बस हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस किया, क्योंकि हमें सिग्मा आर करना है तो हम सबको सबका सम कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, सी थ्री का वन वन एलिमेंट लिखेंगे। तो जो ये सी थ्री का वन वन एलिमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, सी थ्री का वन वन एलिमेंट ये वाला हो गया माइनस वन अपॉन टू, तो हमने माइनस वन अपॉन टू लिखा। और फिर जब हमने सी थ्री को एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर पर अप्लाई किया था तो हमारा क्या आंसर आया था, हमारा आंसर था ये, यहां से हमने इसको देख लिया, ये पूरा का पूरा हमने यहां पर एज इट इज लिख दिया। ये मैंने इसलिए बड़ा ब्रैकेट बनाया हुआ है और डार्क किया हुआ है इसको, कि ताकि पता चल जाए ये हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट है वन वन एलिमेंट, और ये हमने जब सी थ्री को एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर पर अप्लाई किया तो हमारा आंसर आया ये। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने सी थ्री टू का वन वन एलिमेंट लिखा है, और सी थ्री टू का वन वन एलिमेंट हमारा क्या है, वो है माइनस हाफ, तो हमने यहाँ माइनस हाफ लिखा। फिर सी थ्री टू को जब हमने एक्स जेड वाई जेड और जेड स्क्वायर पर अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये मैंने बड़े स्क्वायर में वो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर सी थ्री टू का, ये हमारा आंसर आया था जब हमने एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर पर अप्लाई किया था, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा। फिर हम सिग्मा वी का वन वन एलिमेंट ले लेंगे। अब सिग्मा वी का वन वन एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वन, तो हमने यहाँ पर वन लिखा। और फिर जब हमने एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर पर इसको अप्लाई किया था तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर सिग्मा वी डैश का वन वन एलिमेंट लेंगे। सिग्मा वी डैश का वन वन एलिमेंट यहाँ पर हमारा जो आ रहा है वो है माइनस वन अपॉन टू, और फिर जो उसका आंसर आ जाएगा जब हम उसको एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर पर अप्लाई करेंगे वो लिखा, फिर ऐसे यहाँ पर आगे कर लिया। ये आप खुद से समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने शुरू में आपको बता भी दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, कौन से उनके कोफिशिएंट, एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर टर्म्स को हमने कलेक्ट करना है, तो एक्स जेड टर्म्स को हम एक साथ कलेक्ट करेंगे और उसके कोफिशिएंट्स लिख देंगे बस। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने देखा ये 2 बाय 6 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 1 को अगर हम एक्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा आंसर, तो एक्स जेड तो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख ही रखा है, तो एक्स जेड नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके कोफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पर एक्स जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। अब हम यहाँ आगे चले, आगे हमारी एग्जिट वाली टर्म सिर्फ ये है, ठीक है, ये माइनस वन अपॉन टू को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन फोर आएगा, तो वही हमने वन अपॉन फोर यहाँ पर लिख दिया, और ये हमने वन प्लस थ्री अंडर रूट थ्री एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये एग्जिट वाली टर्म हमारी खत्म हो गई। अब हम आगे चलेंगे, आगे जब हम चले तो फिर से हमारे पास ये और ये, इन दोनों को मल्टी, क्योंकि एग्जिट वाली टर्म तो हमारी यही है, फिर माइनस वन अपॉन टू को वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन अपॉन फोर आया, और ये वाली माइनस मतलब अंडर रूट थ्री माइनस वन हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक। फिर हम यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा एग्जिट की जो कोफिशियंट है वो सिर्फ वन है, तो हमने वन लिख दिया। अब हम यहाँ आएंगे, फिर माइनस वन अपॉन टू को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो फिर मैंने यहाँ लिख ही रखा है इसको, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर शायद ये वाला माइनस हो जाएगा, बस इतना चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये आगे पीछे हो गया है, ये माइनस वन अपॉन फोर आगे हो गया और यहाँ पर ये प्लस वाला फोर, बस वन अपॉन फोर मैंने पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, थोड़ा सा चेंज आप खुद से इसको देख लीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आने वाला है, चाहे इसको पहले लिख लीजिए, इसको आप बाद में लिख लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, टू बाय सिक्स वन, ये वन प्लस फोर को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो वन अपॉन फोर प्लस अंडर रूट थ्री बाय फोर, फिर माइनस अंडर रूट थ्री बाय फोर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन बाय फोर, बस हमने वन बाय फोर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रखा है और हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस अंडर रूट थ्री बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर से कैंसिल हो जाएगा और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक वन ये बचेगा और एक वन ये बचेगा, यानी कि टू हुए, और 1 बाय फोर, 1 बाय फोर, 1 बाय फोर और 1 बाय फोर, इन सबको हम प्लस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो यानी कि 2 प्लस 1 3, तो ये 2 प्लस 1 3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और आंसर हमारा आ जाएगा 1, यानी हमारे पास एग्जिट टर्म जो है वो निकल के आएगी 1 एग्जिट, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमने वाई जेड के कोफिशियंट ले लेने हैं और ठीक ऐसे ही हमने जेड स्क्वायर के कोफिशियंट ले लेने हैं, तो जब आप देखेंगे तो वाई जेड की कोफिशियंट जो आएंगे वो हमारे जीरो आएगा और जेड स्क्वायर भी हमारा जीरो आएगा, यानी कि जब हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर को इस पर अप्लाई किया
वन वन एलिमेंट के लिए, तो हमारा इसने सिर्फ एक्स जेड को प्रोजेक्ट आउट किया, बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया, यानी एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, उनके लिए कुछ आंसर नहीं दिया, तो सिर्फ एक्स जेड निकाल के लाया। ठीक है, तो ये हम जब सिर्फ वन वन एलिमेंट पे, इसी तरह से आप वन टू एलिमेंट पे, टू वन एलिमेंट पे और टू टू एलिमेंट पे भी इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो अप्लाई मैं मतलब करके खुद से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख दिया। जब हम इसे 2 2 पर अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा yz, यानी yz इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा, xz और z स्क्वायर हमारा 0 आएगा। जब हम 1 2 पर अप्लाई करेंगे तो yz जो है हमारा 1 निकल के आएगा, xz और z स्क्वायर 0 हो जाएंगी। और जब हम 2 1 एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर जो है मैट्रिक्स एलिमेंट चेंज हो रहा है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ मैट्रिक्स एलिमेंट चेंज हो जाएगा। और मैट्रिक्स एलिमेंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये हमारा 1 1 होता है, ये हमारा 1 2 होता है, ये 2 1 होता है और ये 2 2 होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और बस आपको मैट्रिक्स एलिमेंट लगाना है, बाकी सब तो सेम रहना ही है। तो यहाँ पर और फिर से आप इसको पूरा सॉल्व, जैसे ये है, मतलब ये कैलकुलेशन देखने में बड़ी टफ लग रही है लेकिन है बहुत इजी, लंबी है, टीडियस है लेकिन इजी है। तो आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको तरीका बता दिया कि आपको करना क्या है, सिर्फ मैट्रिक्स एलिमेंट लिखना है और इसका जो रिजल्ट आया किसी भी ऑपरेशन का, इस पर जो रिजल्ट आया बस उस रिजल्ट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक, तो आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर जो टर्म्स निकल के आएंगी, तो आपने देखा कि xz, yz और z स्क्वायर जब हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म निकल के आ रही हैं, यानी कि हमारे पास दो, एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन xz प्लस yz निकल के आ रहा है। तो दस वी हैव प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द फंक्शन xz प्लस yz प्लस z स्क्वायर द टू फंक्शन xz एंड yz विच फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द ई रिप्रेजेंटेशन। तो हमें ये मालूम पड़ा कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर ने क्या करा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर को जब हमने इस पर अप्लाई किया तो इसने हमें सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन दिया xz प्लस yz का, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही e रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिस फॉर्म करता है। और इसने z स्क्वायर को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया, द कंपोनेंट z स्क्वायर हैज बीन एबॉलिश, इट कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू अ बेसिस सेट ऑफ द e रिप्रेजेंटेशन। तो हमें यहां से वो सिमिट्री अडेप्टेड, यानी xz और yz की सिमिट्री क्या है, वो ई सिमिट्री है, इसीलिए यहां पर ये xz और yz जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है कि हमें वो लीनियर कॉम्बिनेशन दे देता है जो किसी पर्टिकुलर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिस सेट को फॉर्म करता है। तो सिमिट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ये हमें बना के देता है। और यहां पर हम देख भी सकते हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ई रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम देखें तो यहां पर एक्स जेड और वाई जेड को बेसिस सेट बनाया गया, तब हमारे पास ई रिप्रेजेंटेशन जो है इनको बेसिस सेट बनाकर निकल के आई है। और ये हमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर ने भी बता दिया, एक तो हमने यहां पर किया था डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डी ऑर्बिटल की हेल्प से आप करके देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है आपको हेल्प कर देगा, लेकिन ये कंप्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, हर मैट्रिक्स एलिमेंट पर हमें काम करना पड़ता है। तो देखा ना, हर मैट्रिक्स एलिमेंट, तो ये काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसलिए हम कंप्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज ना करके इनकम्प्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। इनकम्प्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज करने का फायदा होता है कि उसमें हमें खाली मैट्रिक्स की कैरेक्टर चाहिए होती, क्योंकि हम तो जनरली कैरेक्टर टेबल से डील करते हैं और कैरेक्टर टेबल में ज्यादातर कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं। तो इनकम्प्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो होता है वो कैरेक्टर्स के साथ डील करता है, जबकि कंप्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर पूरी मैट्रिक्स चाहिए होती है हमें उसके लिए, तो वो काफी टीडियस वर्क हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम्प्लीट प्रोजेक्शन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर एक्चुअल में है क्या। अगर अभी कुछ नहीं भी समझ में आया तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, उसके बाद अभी हम आगे और एग्जाम्पल्स करेंगे, तब ज्यादा अच्छे से और शायद क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।